नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनीश राज, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल सिविल अनीश राज में दोस्तों दिल से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है हमारा कि 800 स्क्वायर फुट में एक शानदार घर का नक्शा, 2 BHK साथ में कार पार्किंग। ठीक है, एक शानदार घर का नक्शा, तो आप लोग देखिए और सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए हमारे वीडियो को। तो चलिए करते हैं वीडियो को। दोस्तों, यह घर का नक्शा है 20 फुट बाय 40 फुट का है, 800 स्क्वायर फुट का शानदार घर का नक्शा है। तो दोस्तों, इसका अगर चौड़ाई का अगर बात कर लें तो यह 20 फुट है, चौड़ाई आपका 20 फुट है। और लंबाई का अगर बात कर लें दोस्तों, तो लंबाई इसका 40 फुट है। अब बात कर लें इसमें जो 2 BHK है और पार्किंग है साथ साथ, तो यहाँ से स्टार्ट हम अगर कर दें तो यह गेट है जिसको मेन गेट बोलेंगे, और यह पार्किंग है। ठीक है, तो पार्किंग का अगर डायमेंशन का अगर बात कर ले दोस्तों, तो पार्किंग का डायमेंशन 9 फुट × 14 फुट है। तो 9 फुट आपका यह चौड़ाई हो गया यहां से यहां तक का, और 14 फुट इसका लंबाई हो गया यहां से लेके यहां तक का। आप बात कर ले अंदर जब प्रवेश करेंगे पार्किंग होते हुए, तो आपको यहाँ पे एक गेट मिलेगा और एक गेट आपको यहाँ पे मिलेगा। मतलब रूम में अंदर जाने के लिए गेट मिलेगा, और सीढ़ी में पार्किंग से होते हुए भी एक गेट आपको मिल जाए। तो एक गेट आपका रूम से भी अंदर आने के लिए, रूम से होते हुए सीढ़ी पे जाने के लिए, यह भी एक गेट हो गया। एक गेट आपका रूम में जाने के लिए, एक गेट आपका पार्किंग से होते हुए सीढ़ी पे जाने के लिए। बात कर ले दोस्तों स्टेयर का क्या डायमेंशन है। ठीक है, तो स्टेयर का हम यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, मार्किंग करके साइड में हम लिख देते हैं इसका डायमेंशन। तो स्टेयर का डायमेंशन का अगर बात कर ले दोस्तों, तो 9 फुट 9 इंची × 8 फुट है। तो 9 फुट 9 इंची आपका यहां से लेके यहां तक हो गया चौड़ाई, और इसका लंबाई 8 फुट हो गया। ठीक है, यहां पे लिख देते तो उतना अच्छा नहीं होता। और दोस्तों, यहां से स्टार्ट होगा सीढ़ी, और यहां से ऊपर की ओर जाएगा, तो ऊपर की ओर जैसे छत पे जाएगा, लैंडिंग यहां पे है, ये लैंडिंग है, तो छत पे जाएगा तो उसके नीचे खाली रहेगा जगह, तो आप यहाँ पे टॉयलेट रूम बनवा सकते हैं सीढ़ी के नीचे। आप बात कर ले बेड नंबर 1 का, बेड रूम, तो बेड रूम इसको हम पहला मान लेते हैं। तो इसका अगर साइज का अगर बात कर ले दोस्तों, तो 9 फुट 9 इंची × 14 फुट का है। काफी ज्यादा लंबा है रूम, 14 फुट लंबाई है इसका, और 9 फुट 9 इंच इसका चौड़ाई है। आप बात कर ले, बाद में हम खिड़की का बात कर लेंगे, कॉलम का बात कर लेंगे। आप बात कर ले ये हॉल का, हॉल, तो हॉल का अगर डायमेंशन का अगर बात कर लेंगे दोस्तों, तो हॉल का आपका डायमेंशन 9 फुट × 14 फुट 4 इंच है। 9 फुट तो इसका चौड़ाई हो गया यहां से यहां तक का अंदर अंदर एरिया, और 14 फुट 4 इंच इसका यहां से लेके यहां तक हो गया। ठीक है, और ये दरवाजा था अंदर जाने के लिए। आप बात कर ले यहां पे एक आपका दरवाजा रहेगा। अब ये बेड नंबर 2 है, बेड नंबर 2, तो बेड नंबर 2 का जो डायमेंशन का अगर बात कर ले दोस्तों, तो बेड नंबर 2 का 9 फुट 9 इंच × 13 फुट 11 इंच है। 9 फुट 9 इंच आपका यहां से यहां चौड़ाई हो गया, और इसका लंबाई का अगर बात कर ले तो 13 फुट 11 इंच यहां से लेके यहां तक का इनर टू इनर फेस दीवार का, बेड नंबर रूम नंबर 2 का ये हो गया डायमेंशन। ठीक है, अब बात कर ले अंदर से अंदर टॉयलेट है, तो टॉयलेट का अगर बात कर ले दोस्तों साइज का, तो टॉयलेट आपका 9 फुट 9 इंची × 4 फुट 4 फुट का है। तो 9 फुट 9 इंची तो इसका चौड़ाई हो गया, 4 फुट इसका लंबाई हो गया। ठीक है, अब बात कर ले अंदर से अंदर टॉयलेट रूम से होते हुए, आप वॉशिंग भी यहाँ पे लगा सकते हैं, कुछ स्पेस बचेगा तो वॉशिंग मशीन बैठा सकते हैं, या कुछ भी इस टाइप का आपका हो तो यहाँ पे बैठा सकते हैं, और नहीं तो आप इसको क्लोज करके सीधा किचन रूम बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ओपन रखा, दरवाजा लगा सकते हैं यहाँ पे, और नहीं भी लगा सकते हैं, खुला भी रख सकते हैं। तो अब बात कर ले इसका साइज का, तो 3 फुट × 4 फुट का है।
तो 3 फुट इसका हो गया, यहाँ से यहाँ चौड़ाई हो गया और 4 फुट इसका लंबाई हो गया। अब है OTS है, तो OTS एक ओपन स्पेस छोड़ा जाता है जो कि बाथरूम और किचन का जो गर्म हवा है ऊपर से पास हुआ, और यहाँ पे आप दीवार डाल के क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर से सन का रे रोशनी आने के लिए OTS ओपन स्पेस छोड़ा जाता है, उसी को OTS बोलते हैं। तो OTS का अगर साइज का अगर बात कर ले दोस्तों, तो यह 3 फुट 6 3 बाय 6 फुट का है। 3 फुट तो इसका चौड़ाई हो गया और 6 फुट इसका लंबाई हो गया, और यहाँ पे एक शानदार कार पार्किंग कर सकते हैं। अब बात कर ले इस रूम का, तो इस रूम में जाने के लिए यह डोर हो गया दरवाज़ा, और यह इसको हम किचन रूम बोलेंगे, KITCHEN किचन रूम। तो किचन रूम साइज का अगर बात कर ले दोस्तों, तो किचन रूम का साइज आपका 5 फुट 7 इंची × 10 फुट का है। तो 5 फुट 7 इंची इसका चौड़ाई हो गया और 10 फुट इसका लंबाई हो गया। अब बात कर ले कॉलम का, विंडो का। तो कॉलम विंडो का अगर बात कर ले, तो आपका विंडो ये हो गया। अंदर जैसे ही जाएंगे पार्किंग से होते, तो यहाँ पे एक खिड़की होना चाहिए। विंडो आपका यहाँ हो गया, W से विंडो हो गया, एक विंडो आपका यहाँ हो गया, एक विंडो यहाँ हो गया, ठीक है, और एक विंडो यहाँ पे हो गया सीढ़ी के पास। अब बात कर ले कॉलम का, तो कॉलम नंबर हम यहाँ से स्टार्ट कर दें, तो column 1, column 2, column 3, column 4, column 6, column 7, column 8, column 9, column 10, column 11, column 12, column 13, column 14, column 15 और बीच में ये है तो column 16। दोस्तों आशा है कि यह प्लान आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।